किडनी का शरीर में क्या काम होता है और किडनी में दिक्कतें क्यों और कैसे आनी शुरू होती हैं? देखिए, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन। इसका मतलब ब्लड के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको ये किडनी फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से शरीर से निकाल देती है। सिर्फ फिल्ट्रेशन के अलावा शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका खून के अंदर नॉर्मल लेवल मेंटेन करना, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को नॉर्मल रखना, जिसके लिए किडनी एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक केमिकल बनाती है। इसके अलावा विटामिन डी जो हमारे शरीर के अंदर होता है, इसको एक्टिवेट करने का काम भी किडनी का होता है। इंडियन सिनेरियो में किडनी के खराब होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा यंग एज में, लगभग 20 से 30 साल की उम्र के बीच में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की कुछ बीमारियां किडनी को खराब कर सकती हैं, जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर अपने ही अंगों के अगेंस्ट लड़ना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म अपने ही अंगों को खराब कर देता है। कुछ केसेस में किडनी की बीमारियां जेनेटिक भी होती हैं जो परिवार में चलती हैं, जैसे ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये किडनी खराब होने के कुछ प्रमुख कारण हैं।